बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल SFS ब्लॉग पे। आप लोगों ने कल मेरी वीडियो देखी थी जो मैंने खोया बनाया था, ये मैं आपको दिखाना चाहती। देखें खोया कितना अच्छा बना है, और मैं एक पीस आपको निकाल के भी दिखाती हूँ बाहर, क्योंकि इसको मैंने फ्रिज में रखा था तो यहाँ का तो टेम्परेचर भी इतना हाई है। देखिए कितना अच्छा बना खोया। और अब मैं इसकी सॉरी अब मैं बनाऊंगी गजरेला। तो गजरेला बनाने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले चलते हैं, गजरेला स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा दूध बॉयल करूँगी, ये साइड पे मैंने रख दिया है। ये दूध बॉयल होगा उतने में मैं गजरेला जो है ना वो रेडी करती हूँ। साथ ही दूध बॉयल होएगा और साथ ही मैं गजरेले को जो है ना उसकी बुनाई कर लूँगी, और थोड़ा सा दूध मैं और डालूँगी इसमें, इतना सा दूध चाहिए मुझे। देखिए पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ये 4 बड़े चम्मच, मुझे लगा शायद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जो मैंने कुकिंग ऑयल डाला तो नहीं हो रहा। आप कुकिंग ऑयल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी नहीं खा सकती। तो ये तकरीबन 1/2 किलो गाजरे हैं जो मैंने ग्रेट करके रख ली हैं। अब इसको मैं कुकिंग ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा पानी जो है ना इसका ड्राई करूँगी। इसकी फ्लेम मैं थोड़ी सी लो कर दूंगी ताकि ये स्टीम पे इसका जो गाजर का पानी है वो सारा बाहर आए, और वो पानी में ड्राई करने के बाद इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं ऐड करूंगी। और देखिए गाजर काफी हद तक जो है ना पानी छोड़ दिया इसने, अब इसको मैं पानी ड्राई करूंगी। और ये मिकदार में भी थोड़ी सी कम होगी अब, क्योंकि इसका पानी जो है ना वो ड्राई होने लगा है। तो अब इसमें मैं करूंगी ये इलायची का पाउडर, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। और उधर दूध जो है ना वो बॉईल हो रहा है, इतनी देर में ये हमारा दूध बॉईल होता है इतनी देर में मैं ये गाजर जो है ना भून लूँगी। पाकिस्तान की जो गाजर है ना वो उनका कलर बहुत अच्छा होता है, वो रेड होती है, ये ऑरेंज कलर की है। यहाँ की जो गाजर है ये ऑरेंज कलर की है। अब देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाजर जो है ना ड्राई हो गया। अब इसमें मैं ये शुगर ऐड करूँगी। शुगर मैंने ली है 4 बड़े चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं ये 4 पूरे नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैं जब शुगर थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी इसका टेस्ट करूँगी तो उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी अगर मुझे डालनी हो तो डालूँगी, नहीं डालनी तो फिर नहीं डालूँगी। तकरीबन अभी मैंने 3 चम्मच जो है ना बड़े भर के वो डाले हैं, और शुगर भी अपना पानी काफ़ी हद तक छोड़ देती है। और देखें शुगर भी काफ़ी हद तक जो है ना ड्राई हो गई है। अब इसमें मैं ये जो दूध मैंने बॉईल किया था वो ऐड कर दूंगी। और इसको लो हीट पे मैं पकाऊंगी जब तक ये दूध ड्राई ना हो जाए।
और देखें जी, दूध भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसका मैं थोड़ा और बुनाई करूंगी, और मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा घी कम है, मतलब ऑयल थोड़ा कम है इसमें। मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ, थोड़ा सा और, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। और देखें माशाल्लाह, गाजर का जो हलवा है वो पानी उसमें तल पानी में, ये ऑयल जो है ना इसका काफ़ी हद तक सेपरेट होना शुरू हो गया, मतलब ये अभी काफ़ी हद तक भून गया है। अब इसमें मैं ये जो मैंने खोया बनाया था वो मैं ऐड करूंगी। सारा नहीं ऐड करूंगी, ये बहुत ज़्यादा बन गया था तो इसको मैं कम ही ऐड करूंगी, इतने काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। और देखें जी, मैंने खोया इसमें ऐड कर दिया, और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा गाजर का जो है ना हलवे की शक्ल नज़र आ रही है। और ये जो बाकी का खोया बच गया इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, मैं जब कभी भी दोबारा बनाऊंगी गजरेला तो उसमें मैं फिर दोबारा ऐड कर दूंगा। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। गजरेला हमारा बन के हो गया है रेडी। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, और इसके ऊपर थोड़े से मैं थोड़े से बादाम डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बादाम पिस्ताशो ये कुछ पड़ा हो तो फिर नहीं खाएंगे, सिर्फ गार्निश के लिए डालूंगी। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है हलवा। और देखें जी, हमारा गजरेला बन के रेडी हो गया है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी आज की भी ये डिश। देखिए पास से बहुत ही इजी रेसिपी है, स्पेशली जो मैंने खोया बनाया उसकी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, खोया घर में बनाएं और ऐसे हलवा बनाएं। अगर खोया नहीं है तो आप उसकी जगह सूखा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। वहाँ भी याद रखना, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।